तो इस वक्त मैं मेट्रोलॉजिकल सेंटर के डायरेक्टर सोनम लोटस के साथ है। आजकल गर्मियाँ काफ़ी बढ़ गए, लोग परेशान हैं। सर, जो लद्दाख के वेदर के बारे में बताए, काफ़ी फ्लाइट्स भी कैंसिल हो रहा है, काफ़ी लोग परेशान। जी मुरूफ साहब, जुले बिल्कुल गर्मी तो है। अभी आपको वैसे पता है जुलाई अगस्त का महीना जो है वैसे भी कश्मीर और लद्दाख के लिए, जो कोल्डर एरिया कश्मीर और लद्दाख के लिए हाईएस्ट मंथ, हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है हर साल, हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर है। तो जी ये इस साल नहीं है, हर साल जाता है। और जुलाई के महीने में अक्सर आप देखिए, जुलाई के ही महीने में अक्सर एंडिंग जुलाई जैसे या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में अक्सर फ्लैश फ्लड वगैरह आते हैं। तो मतलब एक जो कि काफ़ी लोकलाइज होते हैं। तो ये इस बार भी जो 2-3 लद्दाख के जो है बिकॉज ऑफ बिल्कुल गर्मी की वजह से जो आइस बॉडीज है या ग्लेशियर्स है वगैरह एकदम पिघल जाते हैं, जिसकी वजह से पानी का सतह, वाटर फ्लोइंग जो है ना, वाटर स्ट्रीम्स में पानी का लेवल बढ़ जाता है। तो ये हर साल होते हैं, तो इसकी वजह से फ्लैश फ्लड भी क्रिएट हो जाते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है। गर्मी तो है, आप इस बार का जो हाईएस्ट टेम्परेचर लेह में रिकॉर्ड किया गया है 33.7 यानी 33.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया 28 जुलाई को। और 28 जुलाई हर नॉट ओनली लद्दाख बट पूरा जो नॉर्दर्न रीजन में हॉटेस्ट है जो डे रहा है। तो बीच में 33 जाते हैं लेह में। अगर आप देखिए आज से 2-3 साल पहले 2021 में 34 डिग्री सेल्सियस भी टच किए गए, 32, 33 तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर साल जाते हैं गर्मी। हालांकि हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कहता कि गर्मी नहीं है, गर्मी तो है। यहाँ का 30 या 33 डिग्री सेल्सियस उसको, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे कंपेयर टू प्लेन्स कम है, तो ये थोड़ा ज़्यादा इंटेंस होते हैं। जी लोटो साहब, लोगों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले उनको ज्यादा गर्मी लग रहा, तो क्या आपके डाटा फिर और कुछ कहता है कि ज्यादा उतना भी नहीं है कि ये तो अक्सर होते ही है? देखो मुरूफ साहब, पिछले साल की तुलना में इस बार गर्मी, अगर आप मुझे ऐसे अगर डाटा की अगर बात करें तो ऐसा थोड़ा सा 1 डिग्री सेल्सियस जो है हम कह सकते हैं कि एक नहीं, पिछले लास्ट ईयर के मुकाबले में तो थोड़ा है। लास्ट ईयर 2023 में हाईएस्ट टेम्परेचर लेह में 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस बार 33.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 3.5 डिग्री सेल्सियस पिछले साल के मुकाबले में। लेकिन इससे अगर 2021 की बात करें तो मैंने बोला 33.6 डिग्री सेल्सियस, देन 2020 इससे पहले जो 33, फिर इधर देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ, 2022 में 33.6, 2021 में 34 डिग्री सेल्सियस भी टच किया गया। ऐसे बात नहीं कि हाँ पिछले साल के मगर इस बार 1 डिग्री सेल्सियस रफली है, 3 डिग्री सेल्सियस गर्मी रहा है, लेकिन मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, पिछले साल जुलाई जुलाई के महीने में अच्छी बारिश हुआ था, 8 और 9 तारीख को अच्छी बारिश हुआ था पूरा लद्दाख में बिकॉज मानसून एक्टिव था। इसके बाद 21 और 22 जुलाई को भी यहाँ पे बारिश हुआ था और अच्छी बारिश हुआ था, लेकिन इस बार तो जुलाई में बारिश ऑलमोस्ट हुआ ही नहीं, बिल्कुल बारिश नहीं हुआ। तो क्योंकि बारिश बिल्कुल नहीं है तो आसमान बिल्कुल साफ रहा है, तो इस बार का जो गर्मी रहा है तो पिछले साल के मुकाबले में आप कह सकते हैं गर्मी भी है तो अच्छी गर्मी है, क्योंकि पिछले साल फिर भी ह्यूमिडिटी थोड़ा ज्यादा था, इस बार ह्यूमिडिटी कम है क्योंकि बारिश हुआ ही नहीं। जी सर, बीते हुए जो हफ्ते काल तक जो फ्लाइट है काफी कैंसिल हुआ, सिर्फ राइजिंग जी टेम्परेचर की जी वजह, काफी नेशनल मीडिया में भी। ये बिल्कुल टेम्परेचर तो उसमें मतलब कोई, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ गर्मी रहा है, खास करके 28 तारीख को तो सबसे जो सीजन का हाईएस्ट टेम्परेचर अभी तक रहा है 33.6 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस लेह में रिकॉर्ड किया गया। तो इस साल का अभी तक का हाई सीजन है, तो टेम्परेचर जब गर्मी हो जाते हैं तो एरोप्लेन का एरोडायनेमिक्स में जो है उसमें एयर डेंसिटी वगैरह नेचुरली कम हो जाते हैं। और लद्दाख जो है एक आपको पता है 3,500 मीटर पे यानी हाई एल्टीट्यूड एरिया है, तो इसकी वजह से इसका प्रभाव बड़ा होगा। अब इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि आपको पता है मैं उसका मतलब आई एम नॉट एन एविएशन एक्सपर्ट, एविएशन एक्सपर्ट है नहीं, तो लेकिन इतना है कि जो एयर टेम्परेचर और एयर डेंसिटी में बिल्कुल एक प्रोपोर्शनलिटी एक वो है। जब एयर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो डेंसिटी जो है थोड़ा कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हवा जो है अपलिफ्ट ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसकी वजह से एयर और थिन हो जाते हैं। तो इसका इसके साथ कोई रिलेशन होगा, बाकी इसके साथ एयरप्लेन जो है टेम्परेचर के साथ एकदम कैसे उसका मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एविएशन एक्सपर्ट हूँ नहीं। जी
और सर जो आजकल जितना गर्मी है तो उससे कुछ राहत मिलने का? जी जहाँ तक राहत की बात है, राहत ऑलरेडी मिला है। अब देखिए 28 तारीख को 33 से भी ज्यादा टेम्परेचर था, तो इसके बाद फिर 30 डिग्री के आसपास ही रहा है, थोड़ा लोगों को 2-3 डिग्री राहत मिला है। तो आज भी अभी करंटली जिस दिन हम अभी जब आप बात कर रहे थे, अभी यहाँ पे 2 बज रहा है, तो यहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस है। अभी बाय द टाइम थोड़ी देर में अभी 20 आज तक 30 तक जा सकता है। लोगों को थोड़ा राहत मिला है, आने वाले दिनों में और राहत मिलने का अमकान है, बिकॉज मानसून थोड़ा एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से बीच बीच में क्लाउडी, जैसे कल भी क्लाउडी था, बीच में धूप इस टाइप का, जी इवनिंग में, और खास करके 2 और 3 के बीच में चंद जगहों पे बारिश का भी इम्कान है। तो आपके माध्यम से ये एक तो लोगों को राहत मिलेगा, बीच बीच में बारिश का भी इम्कान है 2-3 को, जब ऐसे क्योंकि बरसात के मौसम में जब बारिश होते हैं हाईली लोकलाइज शावर होते हैं, जो कि कभी कभी नॉट एवरी टाइम कभी कभी फ्लैश फ्लड की सूरत भी ले लेते हैं, तो थोड़ा लोगों को सावधान रहना जरूरी है, लेकिन बारिश भी तो इम्पोर्टेंट है। जी सर 2010 की बात करें, 5 अगस्त को बहुत जो फ्लैश फ्लड हुआ, तो उसको ध्यान में रखते हुए लोग काफी चिंता रहता है कि 5 अगस्त नहीं ऐसा नहीं ऐसा कोई अभी तक कुछ भी नहीं ऐसा, क्योंकि वी हैव लर्नड अ बिग लेसन। 2010 और कहां 2024, अभी 14 साल बीते हुए हैं, 14 साल में काफी टेक्नोलॉजी में चेंज आया हुआ है, नॉट ओनली टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया है, जैसे आपके रिपोर्टिंग में या हमारे देखने का नजरिया, हमारा ऑब्जर्वेशन सिस्टम, फोरकास्टिंग सिस्टम भी अपग्रेड हुआ है कभी काफी, तो उस टाइप का नौबत नहीं आएगा। इनकेस गॉड फॉरबिड अगर ऐसा हुआ तो हम यहाँ पे बिल्कुल लोगों को पहले अर्ली वार्निंग देने के लिए बिल्कुल तैयार है। एट द सेम टाइम जब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, डिजास्टर मैनेजमेंट का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी बिल्कुल फुली फंक्शनल है, अभी आप देख सकते हैं। तो मतलब काफी सारे तैयारी किया हुआ गवर्नमेंट ने, इंतजाम किया है, मुझे लगता नहीं कि 2010 वाला रिपीट हो, लेकिन हो तो हम तो पहले ही मतलब जैसे आपको बता रहा हूँ लोगों ने काफी लेसन लर्न किया है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जी सर आखिर में हमारे व्यूवर्स को आप वेदर रिलेटेड और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन? एडिशनल देखो मैं आपको सबसे पहले तो ये आप लोग आए हैं थैंक यू, दूसरे ये कहना चाहूंगा बरसात के जब मौसम है स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ लद्दाख जैसे एरिया में पहाड़ी क्षेत्र में, मानसून का बारिश जो है बरसात के मौसम में जुलाई अगस्त के महीने में ऐसे होता है कि आपको बिल्कुल बादल आ जाते हैं तो पैचिस में आ जाते हैं, हाईली लोकलाइज्ड, जैसे कल लमायूरू में हुआ था, छोटा सा जगहों पे बारिश हुआ था तो एक फ्लैश फ्लड की सूरत ले गया। तो इसको प्रिडिक्ट बिल्कुल प्रिसाइजली प्रिडिक्ट करना मतलब फोरकास्ट करना उतना मतलब चैलेंजिंग जॉब है, मैंने क्या तो बिल्कुल नहीं कर सकता, बट इट इज हरक्यूलियन टास्क, बहुत चैलेंजिंग जॉब है, तो इसलिए लोगों को सावधान रहना जरूरी है। अभी मुझे लगता है आज और कल तो आमतौर पर यानी 31 और 1 तारीख को आमतौर पर मौसम ठीक है, लेकिन कल रात या परसों के बीच में एक के रात 2 और 3 के बीच में 2-3 या 4 के बीच में फिर चंद जगहों पे बारिश होने का इम्कान है। अभी क्योंकि बरसात के मौसम में वेदर फोरकास्ट एग्जैक्टली मतलब 3-4 दिन पहले करना अभी थोड़ा कठिन जॉब है, चैलेंजिंग है, मैं नहीं कहता नहीं कर सकता, चैलेंजिंग जॉब है। तो हम पूरा लोगों को मतलब हम नजर रखे हुए हैं, सुबह शाम अपडेट हम आप करते रहते हैं, आपको मालूम ही है सोशल मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, तो हम अपडेट करते रहेंगे, लोगों को बात चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधान रहना तो जरूरी है। कभी अगर लंबे सफर में ट्रेवल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कल लमायूरू में जब जो हुआ था फ्लैश फ्लड टाइप, तो अगर बिल्कुल सावधान रहे तो उसमें जैसे फ्लैश फ्लड का रिएक्शन टाइम लोगों को बहुत कम मिल जाता, एकदम आ जाते, तो लोगों को बिल्कुल सावधान रहना जरूरी है। बाकी तो नॉर्मल लाइफ चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, वेदर भी इतना एडवर्स कभी नहीं, बारिश बहुत जरूरी इस बार, वैसे भी जुलाई में पूरा लद्दाख रीजन बल्कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिफिसिट रेनफॉल चल रहा है, बारिश काफी डिफिसिट रेनफॉल चल रहा है, बारिश होना चाहिए, हम तो दुआ करते बारिश हो, तो बारिश भी बहुत जरूरी है, लेकिन हो नहीं रहा अब, क्योंकि बारिश अगर हो तो थोड़ा टेम्परेचर लोगों को गर्मी से राहत मिलेगा, एट द सेम टाइम हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है ग्लेशियर वगैरह उसका जो मेल्टिंग होने में भी थोड़ा सा मतलब मेल्ट ना हो, इसके लिए थोड़ा फायदेमंद होगा। नहीं तो आपको देखो आज भी इतना गर्मी है कि एक इंटेंस हमारा लद्दाख का जो टेम्परेचर होते हैं, सोलर जो रेडिएशन होते हैं, इंटेंस रेडिएशन होते हैं, तो थोड़ा फास्ट मेल्ट हो जाते हैं ग्लेशियर वगैरह, ऐसा ना हो तो हम दुआ करेंगे थोड़ा क्लाउडी रहे और थोड़ा बारिश भी हो, जो कि मुझे लगता है 2-3 और 4 के बीच में थोड़ा बहुत तो होगा।
जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे सोनम लोटो सर, जिन्होंने वेदर के बारे में डिटेल से बताया। हालांकि उनका कहना है कि इस बार जो हाईएस्ट जो 28 तारीख को गया है जिसमें 33.5 डिग्री, उसी तरह उससे भी हाईएस्ट जो 2021 में गया जबकि 36 करीब पहुंचा, लेकिन जो बारिश ना होने के कारण इस बार जो इसमें ड्राइनेस ज़्यादा, इसलिए लोगों को ज़्यादा गर्मी लग रहा है। मैं और मेरे साथी सोनम, न्यूज़ 18 के लिए।